हाँ तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन है और कि ये एक फंक्शन को वेरिएबल है। हाँ हमारा जो फंक्शन एफ है वो एन क्रॉस एन टू एन में है, डोमेन एन क्रॉस एन है और रेंज एन है, ठीक है। आपका एफ एम कॉमा एन जो है ऑड मल्टीपल ऑफ टू की पावर एन है, ठीक है। सो क्या एफ वन वन है और क्या एफ ऑन टू है, रीजन बताइए। तो क्या करते हैं वन वन ऑन टू के लिए आप? फिर वन वन के लिए डेफिनेशन होगा f of x1 equals f of x2 then x1 equals x2, पर इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करूं डेफिनेशन की, या मैंने समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन है क्या? अच्छा मैं, अगर पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि ऐसा हो जाए कि वन वन ना हो, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ऐसा मुझे दो डिफरेंट पॉइंट बताइए जहां पे फंक्शन की सेम वैल्यू आ जाए, एम और एन की। ऐसे मुझे कोई दो वैल्यू बताइए आप, अलग अलग ऑर्डर पेयर जहां पे सेम वैल्यू आ जाए, ऐसा हो सकता है? आपने एक्सपेरिमेंट किया कुछ? मैं अगर चेक करूं उस तरह से कुछ, मतलब वन वन मैं चाह रहा हूं कि ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लूं कि वन वन ना हो। वन वन कब नहीं होगा? जब डोमेन में टू डिफरेंट पॉइंट मुझे मिल जाएंगे जिसका इमेज सेम आ जाए, तो वन वन नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए ऐसा कोई दो पॉइंट बताइए मुझे। इसलिए पता प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा ऑड होगा और ये हमेशा इवन होगा, है ना? तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, इधर ऑलवेज ऑड, दिस इज ऑलवेज इवन। तो ऑड इवन का प्रोडक्ट, तो एक ऑड लो उसका इवन से प्रोडक्ट करो और दूसरा ऑड लो इवन से प्रोडक्ट करो, सेम आ जाए, ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो ऐसा लेता हूं 15 इंटू कोई इवन नंबर ले लो, चलो 6 ले लिया। अब हमें इसमें इस तरह से लिखना है कि इसी को दूसरे तरीके से लिखो, दो नंबर के प्रोडक्ट में क्या लिख सकता हूं मैं, लेकिन एक ऑड एक इवन होने चाहिए। अच्छा वो भी नहीं, कोई टू छोटा नंबर ले लो। ये तो मैं लिख ही नहीं सकता, हमें टू की पावर में ही लिखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे 60 हो गया, चलो अब 60 को ऐसा प्रोडक्ट में ब्रेक करो कि एक तो पाप टू की पावर हो और दूसरा ऑड हो, तो ऐसा बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? देखो ये आपको रीजन समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन वन वन है, ऐसा क्यों हो रहा है वन वन है, क्योंकि वी विल नॉट एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। मैं यहां पे ऐसा करूंगा एम वन कॉमा एन वन और एम टू कॉमा एन टू, अगर मैं दो डिफरेंट पेयर ढूंढ लेता हूं जहां वैल्यू इक्वल हो जाए, लेकिन कोई दो डिफरेंट पेयर मिलेगा ही नहीं हमें। क्यों नहीं मिलेगा वो आपको समझना पड़ेगा। ये टू की पावर एन है यहाँ पे, है ना, और ये ऑड है। सोचिए 2m माइनस 1 इंटू 2 की पावर एन वन, और यहां है 2m2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर एन टू, दोनों इक्वल है, कब पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि ये इवन है और ये इवन पार्ट है, ये ऑड पार्ट है, ये ऑड पार्ट है, इसमें 2 का कोई फैक्टर नहीं आएगा, इसमें भी 2 का कोई फैक्टर नहीं आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब n1 n2 के इक्वल होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर n1 n2 इक्वल हुआ तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। क्यों इक्वल होना पड़ेगा समझिए, यहां से आप 2 निकाल नहीं सकते, तो इसमें पावर कोई बढ़ने वाला है नहीं, यहां से कभी 2 नहीं निकाल सकते, पावर बढ़ने वाला है नहीं, तो 2 के जो पावर्स हैं वो कॉमन ही रहने वाले हैं। तो ये a1 n2 को इक्वल ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 कहीं से आप ला ही नहीं सकते, यहां से निकलेगा ही नहीं 2, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। और जो ही दोनों इक्वल हुआ तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो इससे पता चला कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और ये डेफिनेशन हो गया 1 1 का। सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो रीजन समझना है ऑन टू के लिए क्या है कि दिस मस्ट अटेन ऑल नेचुरल नंबर। अब आपको ये सुनना, क्या ये सारे नेचुरल नंबर अटेन करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं कि इसको 2 के इक्वल करना है, बताइए ये 2 के इक्वल कब आएगा? हाँ 2 के इक्वल हो जाएगा जब मैं m को 1 ले लूं और n को 1 ले लूं,
हो जाएगा ना टू के इक्वल। चलो मैं इसको थ्री के इक्वल लाना चाहता हूँ, क्या मैं कभी थ्री के इक्वल बना सकता हूँ उसको? सोचिए। अब देखो यहाँ तो टू का फैक्टर ही नहीं है, तो एन को क्या रखना पड़ेगा आपको? जीरो। पॉसिबल है वहां पे? नहीं। सो देयर इज नो नंबर इन द डोमेन व्हिच कैन मेक इट थ्री, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि थ्री के पास कोई प्री इमेज नहीं है। ऑन टू होने के लिए कोडोमेन में हर नंबर के पास प्री इमेज होना चाहिए, तो थ्री एक ऐसा नंबर जिसके पास प्री इमेज है ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसके पास टू के फैक्टर नहीं है, और टू के फैक्टर हटेगा तो एन जीरो हो जाएगा, और एन जीरो होगा जो कि डोमेन में नहीं है। सो देयर इज नो नंबर इन द डोमेन व्हिच विल मैप टू थ्री, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। देखो अभी आप फिर से लॉजिक समझो, मैं लॉजिक वही लगाया हूँ, मैं पहले गलत प्रूफ करने की कोशिश किया हूँ। तो इनिशियली मैं ट्राई कर रहा था इसको ये प्रूफ कर दूं कि 1-1 नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं प्रूफ कर पाया क्योंकि ये 1-1 है। अब क्यों प्रूफ नहीं कर पाया? तो मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ रहा था, जैसे यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, टू लिया तो टू मिल जाएगा 1-1 पे, थ्री लिया अब मुझे समझ आया थ्री तो कभी हो ही नहीं सकता। अब एक्चुअली शुरू में हम गलत से स्टार्ट करेंगे ना, हम ऐसा करें कि एम एन की दो डिफरेंट पेयर उठाए जो सेम आंसर करेस्पॉन्ड करें, तो हमने कुछ मेंटली मैंने ट्राई किया कि ऐसा नंबर 1-1, 1-2 इस तरह से कोशिश करो। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1-1 क्या डेफिनेशन है कि x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज, सॉरी x1 डिफरेंट देन x2 इंप्लाइज fx1 डिफरेंट देन fx2, या इसी को इसी का कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है f(x1) = f(x2) = x1 = x2। जी तो यहाँ पे मैंने ये वाला टेक्निक यूज किया प्रूव करने के लिए, ये x1 है x2 है, fx1 fx2 इक्वल कर दिया मैंने, तो fx1 का ये फॉर्म है। अब मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली होता क्या है, आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे एग्जांपल के लिए सिक्स प्राइम नंबर्स के फैक्टर। हाँ यस, सो ये एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये कुछ इस तरह, मतलब जब एग्जांपल मैं आपको 48 को लिख के दिखाता हूँ, तो 48 इज 3 × 2⁴, ठीक। अब क्वेश्चन ये, क्या 48 को आप किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इस फॉर्म में? तो आंसर इज नो, दैट्स व्हाई इट इज 1-1। सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, यस। तभी तो लिख सकते हैं। जी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है एंड दैट्स व्हाई इट इज 1-1। हाँ आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑड आएंगे, ठीक है, तो उस फॉर्म में जब आप लिखेंगे ना तो वो हो जाएगा। ओके सर, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।